साईं बाबा मंदिर, विकास नगर, ग्वालियर। ॐ साईनाथाय नमः। ॐ साईनाथाय नमः। ॐ साईनाथाय नमः। ॐ साईनाथाय नमः। साईं बाबा ही एक ऐसे पीर फकीर हैं, जिन्हें हर धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा और आदर से पूजते हैं। साईं के दिए गए वचनों का पालन करते हुए भारत में साईं बाबा के कई छोटे बड़े मंदिर हैं। ग्वालियर के साईं बाबा मंदिर का एक अलग ही आकर्षण है। साईं बाबा की दिखाई गई राह पर लोगों को ले जाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। साईं बाबा हमें सच्चाई और सादगी की राह पर चलना सिखाते हैं। ग्वालियर का साईं बाबा मंदिर शहर के मध्य में बड़े ही भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है। मंदिर की स्थापना सन 1978 में साईं भक्त मंडल द्वारा की गई। मंदिर के मुख्य द्वार को सफेद रंग से रंगा गया है। मुख्य द्वार को काफी खूबसूरती से सजाया गया है। मुख्य द्वार से मंदिर कुछ दूरी पर है। साईं बाबा का मंदिर पीले रंग से रंगा हुआ है। मंदिर के शिखर के ऊपर एक ध्वज हमेशा लहराता रहता है। मंदिर का परिसर काफी बड़ा है। इस मंदिर में साईं बाबा की दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में साईं बाबा एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं। साईं बाबा की ये मूर्ति बहुत ही आकर्षक है।
साईं बाबा की मूर्ति के सामने शिवलिंग और शिव वाहन नंदी विराजमान हैं। भक्त सबसे पहले इनके दर्शन करते हैं और फिर साईं बाबा की आराधना करते हैं। भक्त साईं बाबा के चरणों में शीश झुकाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। बाबा अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ। साईं बाबा की दूसरी प्रतिमा मंदिर के मध्य में स्थित है। साईं बाबा चांदी के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। साईं बाबा की ये प्रतिमा बहुत भव्य और खूबसूरत है। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई उपदेश दिए, उन्हीं में से एक है मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। साईं बाबा ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करने की सलाह देते हुए हमेशा मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म और इंसानों की सेवा को सबसे बड़ा कर्म बताते हुए मिलजुल कर जीवन जीने की अमूल्य शिक्षा प्रदान की। बाबा का यह भी कहना है, जातिगत भेद भुलाकर प्रेम पूर्वक रहना। साईं बाबा ने कहा है कि जाति समाज आदि सब भेदभाव की बातें ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाई हैं। ईश्वर की नजर में न तो कोई उच्च है और ना ही कोई निम्न। जो काम ईश्वर को पसंद नहीं है उसे मनुष्य को तो करना ही नहीं चाहिए। अर्थात जात पात, धर्म, समाज आदि मिथ्या बातों में न पढ़कर आपस में प्रेम पूर्वक रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। साईं बाबा की प्रतिमा के ठीक सामने नंदी बैल विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भक्त नंदी बैल के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो वो शीघ्र पूरी होती है। कहते हैं कि नंदी बैल भक्तों की मुरादों को साईं बाबा तक पहुंचाते हैं। साईं बाबा की प्रतिमा के सामने
उनके चरण चिन्ह मौजूद है। भक्तगण साईं बाबा के चरण चिन्ह पर पुष्प अर्पित करके बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। भक्त बाबा के सामने बड़ी आस्था के साथ शीश झुकाकर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं। मंदिर के पुजारी रोज सुबह शाम साईं बाबा की आरती करते हैं। भक्त काफी हर्षोल्लास के साथ साईं बाबा की आरती में हिस्सा लेते हैं। आरती के समय भक्त बाबा की आराधना में मग्न हो जाते हैं। साईं बाबा का मूल मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, अर्थात मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा रखे और सब्र से काम ले। बाबा ने आपसी भेदभाव को दूर करने के लिए ही सबका मालिक एक का महत्वपूर्ण मंत्र दिया, जिसका अर्थ है कि सभी एक ईश्वर की संतानें हैं, इसलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। आओ सब मिलकर बोलें, जय श्री साईनाथ।